नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गाइडर। मैं हूं आपका दोस्त अरिजीत। और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त और एक माइंड ब्लोइंग जो बेस्ट सेलर और बेस्ट परफॉर्मर है अपने सेगमेंट में, उस बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ। यह है यामा के R15 V3.0। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में कोई भी इंट्रोडक्शन देने का ज़रूरत नहीं है। ये बाइक अपने सेगमेंट में इतना खास है, इतना ज़बरदस्त है, इतना आकर्षक है कि आप बस देखते ही इसका दीवाना बन जाए। बहुत ही बढ़िया बाइक है, बहुत ही खास बाइक है उन लोगों के लिए जो लोग रेस करना पसंद करता है, जो लोग एक बजट सेगमेंट में बाइकिंग करना चाहता है, रेस करना चाहता है और अपने लुक्स को एनहेंस करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम इस बाइक के सारे जो डिटेल्स हैं, माइलेज, प्राइस, फीचर्स, सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग शुरू से देखें तो इसमें बिल्कुल एक एलईडी हेडलैम्प्स दिया गया है और इसका जो मिरर्स है वो भी वाइज़र के साथ इंटीग्रेटेड है और एक फाइबर वाइज़र दिया गया है, विंडशील्ड दिया गया है। इससे क्या होता है कि आपको विंड ब्लास्ट हाईवे में बहुत ही अच्छी तरह से ये रोक देता है। ये बहुत ही अच्छा बढ़िया कॉम्बिनेशन है और आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से ये LEDs काम करते हैं। इसका लाइट स्पेड बहुत बढ़िया तो नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और आप देख सकते हैं इसमें इंडिकेटर्स जो दिया गया है, इसमें थोड़ा सा कॉस्ट कट गया क्योंकि ये कंपनी LED भी दे सकता था। और ये काफ़ी हद तक फ्लेक्सीबल है। ये आप देख सकते हैं सामने बड़ा सा होल है दोनों हेडलाइट्स के बीच और एक R15 V3 और VVA का जो ब्रांडिंग है वो दिख जाता है। और अब इसका हैंडल्स को देखें और मीटर्स को देखें तो ये मीटर बहुत ही खास है। ये आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, VVA इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट, लो इंजन ऑयल, इंजन टेम्परेचर, फिर टू ट्रिप, इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज, सब कुछ आपको बता देगा। और ये अपना नाम भी आप सेट कर सकते हैं इसमें। इसमें क्लॉक भी है और आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स, हाई बीम, हर एक स्विच, हर एक बटन इसमें दिया गया है, हर एक इंडिकेटर इसमें दिया गया है। बहुत ही खास और बहुत ही बड़ा एक LCD, फुल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें दिया गया है। और आप स्विच गियर और हैंडल्स भी देख सकते हैं। ये बहुत ही खास और बहुत ही हाई क्वालिटी है एज़ पर यामा स्टैंडर्ड्स। इंजन किल स्विच, हाई बीम का जो स्विच है वो आपको इसमें मिल जाता है। आप देख सकते हैं साइड से ये बाइक कितना खास है। अगर इसका दोस्तों सीट का बात करें तो ये सीट स्प्लिट सीट्स है। वर्शन 2 से इसका पिलियन सीट्स थोड़ा सा कंफर्टेबल है क्योंकि वर्शन 2 में आपको लगता था कि आप सेकंड फ्लोर में बैठे हुए हैं। और इसमें VVA टेक्नोलॉजी दिया गया है जिसके बारे में मैं जल्द से जल्द बात करूँगा। अगर इसका इंजन का बात करें दोस्तों तो इसमें 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड 4-वाल्व SOHC फ्यूल इंजेक्टेड 155cc इंजन है जो 6-स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। और इसमें बस सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल है, किक स्टार्ट अवेलेबल नहीं है। इसका जो वाइजर है, मतलब इसका जो फेयरिंग है वो बहुत ही खास है और बहुत ही सॉलिड इसमें दिया गया है। और ये मैट कलर में अवेलेबल है और एक ग्लॉसी ब्लू कलर भी आता है, उसका भी मैं जल्द से जल्द रिव्यू करूँगा जब कि वो शोरूम में अवेलेबल हो जाए। आप पीछे इसका टेल लाइट देख सकते हैं, हेडलाइट टेल लाइट दोनों ही LED है। और पीछे का टेल लाइट आपको एक ज्वेल इफेक्ट देता है और पीछे का जो इंडिकेटर्स है वो भी फ्लेक्सिबल है। इसमें VVA टेक्नोलॉजी और स्लीपर क्लच का यूज़ किया गया है। अब VVA टेक्नोलॉजी मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा। VVA टेक्नोलॉजी क्या होता है कि वेरिएबल वाल्व टेक्नोलॉजी, जिसमें दो इंटेक वाल्व्स रहता है जो कि 7400 RPM में जाकर एक दूसरा वाल्व एक्टिवेट हो जाता है ताकि आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी और जो स्पीड का जो स्टेबिलिटी है, जो परफॉर्मेंस है वो आपको दे दे। और स्लीपर क्लच होने की वजह से इसमें क्या होता है कि आपको जल्दी से डाउनशिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और आपका पीछे का जो व्हील है वो लॉक नहीं होता, क्लच फील भी बहुत ही हल्का हो जाता है। इसका अगर टायर्स को देखें तो दोस्तों, तो सामने 100x80 का टायर यूज़ किया गया है और पीछे 140x70 ट्यूबलेस MRF नाइलो ग्रिप का टायर्स यूज़ किया गया है। दोनों ही 17 इंचेस है, ट्यूबलेस है। और जो अगर ब्रेक्स का बात करें तो सामने 282mm हाइड्रोलिक डिस्क और पीछे 220mm हाइड्रोलिक डिस्क का यूज़ किया गया है। तो अगर इसमें ABS होता तो और भी अच्छा होता। उम्मीद है कि जब ये कंपलसरी बन जाएगा तो यामा इसमें ABS भी दे दे। और इसके आप एलुमिनियम फुटरेस्ट देख सकते हैं, इसका जो स्विंग आर्म है वो भी एलुमिनियम है। इसका जो पावर है दोस्तों वो 19.3 PS एट 10,000 RPM और जो टॉर्क है वो 15 Nm एट 8,500 RPM है। पावर और टॉर्क बहुत ही खास है अपने सेगमेंट में, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक्स है। और इससे ऊपर जो सेगमेंट्स है यानी कि 200cc सेगमेंट, 250cc सेगमेंट, उसमें भी ये काफ़ी अच्छी तरह से उन लोगों के साथ भी कम्पीट करता है। इसका टॉप स्पीड हम लोगों ने जब टेस्ट किया था तो देखा था कि 150 अप इसका टॉप स्पीड
आ जाता है। तो एक 150 सीसी की गाड़ी से ये उम्मीद करना एक नामुमकिन बात है जो यामाहा ने करके दिखाया है। इसका अगर जो कर्व वेट को देखें तो बहुत ही हल्का ये बाइक है, 139 केजी से, ये भी इसका हाई स्पीड परफॉर्मेंस में मदद करता है। उसका अगर ग्राउंड क्लियरेंस को देखें तो 170 mm है, ठीक ठाक है इंडियन रोड्स के हिसाब से। सीट हाइट को देखें दोस्तों तो 815 mm है, तो जो लोग जिनका शॉर्ट हाइट है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो लोग ज़रूर एक टेस्ट राइड ले लें। इसका जो व्हील बेस है वो काफ़ी अच्छा है, 1325 mm, जो कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी में मदद करता है। इसका फ्यूल टैंक पहले वर्जन 2.2 में 13 लीटर्स था, अभी वो 11 लीटर्स हो गया है वेट रिडक्शन के लिए। इसका जो एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरह से एक रेसिंग वे से इसको डिज़ाइन किया गया है, एक रेसिंग मेंटेलिटी से इसको डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं इसका ब्रेक्स का फील भी काफ़ी अच्छा है, और पीछे टेल लाइट भी आप देख सकते हैं, ये बहुत ही एरोडायनामिक शेप में दिया गया है ताकि आपको ये हाई स्पीड स्टेबिलिटी में मदद करे। इसका जो माइलेज है दोस्तों वो 40 से 45 kmpl तक आपको मिल जाएगा अगर आप नॉर्मल ठीक ठाक से राइड करें तो। और दोस्तों इसमें इतने सारे टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ये नॉर्मल हर रोज़ राइडिंग के लिए बाइक नहीं है, कम्फर्ट ओरिएंटेड बाइक भी नहीं है। उसके लिए आप यामाहा की FZ या फिर फेजर उन बाइक्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ये मेनली एक ट्रैक फोकस्ड और ओकेशनल राइड्स के लिए बाइक है, क्योंकि लॉन्ग राइड्स के लिए ये बाइक नहीं है। अगर आप लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार आप टेस्ट राइड ले लें और फिर डिसाइड करें। ये जो बाइक है ये बहुत ही स्पेशल है अपने सेगमेंट में, और ये कोई नॉर्मल कम्यूटर बाइक नहीं है। तो हो सकता है कि आपका पाम में या फिर आपका बैक पेन हो, तो उसके लिए लॉन्ग राइड्स में, शॉर्ट राइड्स में नहीं, उसके लिए आप ज़रूर इस बाइक को टेस्ट राइड कर लें। आप यामाहा के आपके नज़दीकी यामाहा शोरूम में आकर, और आप हावड़ा में रहते हैं तो SNC यामाहा में आकर, दासनगर में है, वो आप चेक कर सकते हैं। इसका जो ऑन रोड प्राइस कोलकाता में है वो 1,55,335 rupees है, तो 1.5 लाख के अंदर आपको एक बहुत अच्छी बाइक मिल जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो PPA टेक्नोलॉजी है, मैं अभी इस बाइक को रेव करूंगा और देखिए 7400 जो RPM है उसके बाद ही VPA का सिग्नल आपको दिखाई देगा। ये देखिए।